नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुंडली में शनि मचा रहा हो अगर उथल पुथल, तो क्या हमें उपाय करना चाहिए कि जिससे उसका बुरा प्रभाव ख़त्म हो जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में मौजूद प्रत्येक ग्रह का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के प्रकोप के बारे में। दरअसल शनि ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहद प्रभावी ग्रह माना जाता है। यदि यह कुंडली में सही स्थान पर विराजमान हो तो समझ जाएं कि जीवन सुखी है, लेकिन इसका थोड़ा सा भी बुरा होना व्यक्ति को बड़े बड़े संकटों में डाल सकता है। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे घटनाएँ, कुछ ऐसे हम अपने स्वभाव से ही जान सकते हैं कि हमारा शनि खराब हो रहा है। यदि जातक की कुंडली में शनि की स्थिति बुरी चल रही हो तो उसका स्वभाव इसके बारे में विभिन्न संकेत देता है, जैसे कि उसके मन में बुराइयां आने लगेंगी, वो दूसरों के बारे में बुरा भला सोचने लगेगा और उनके घर में कोई ना कोई फैमिली में सदस्य बीमारी इतनी आना शुरू हो जाएगी कि कोई ना कोई बीमारी चलती ही रहेगी, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता ही रहेगा। इसके अलावा ऐसा जातक जिसकी कुंडली को शनि ने पूरी तरह से चौपट कर रखा हो, वह नशे की लत का शिकार हो जाता है। उसका झुकाव अपने आप ही इन चीज़ों के प्रति बढ़ने लगता है। या फिर शादी के बाद तुरंत ससुराल वालों की आर्थिक हानि हो जाए तो समझ लें कि नई वधू का शनि पक्ष में नहीं है, उसका शनि खराब चल रहा है। यदि आए दिन घर में परिवार के सदस्यों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, कलेश बढ़ते चले जा रहे हों, तो समझ लें कि शनि खराब चल रहा है। जिसका शनि खराब चल रहा हो उस व्यक्ति का सम्मान समाज में दाव पर लग जाता है, उस पर चोरी धोखेबाजी का आरोप लगने लगता है और ना चाहते हुए भी वह सजा का हकदार हो जाता है, जेल जा सकता है, उस पर मुकदमे जारी हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपको बताए गए संकेतों में से अधिकतर संकेत अपने ही जीवन का हिस्सा लग रहे हैं तो तुरंत मेरे बताए गए उपाय को आप शुरू कर दें। वो उपाय क्या है आइए मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों हर शनिवार आपको लेना है एक काला कपड़ा, आप 1 मीटर 1.25 मीटर ले सकते हैं। उसमें आप रखेंगे थोड़ी काली उड़द की दाल और एक लोहे का कील सरसों का तेल, और लेंगे आप एक नारियल। मैं फिर बता देती हूँ, काला कपड़ा, काले उड़द की दाल, एक कील और एक नारियल और सरसों का तेल, इन सब चीज़ों को आप बांध लेंगे काले कपड़े में। काले कपड़े में बांधने के बाद आप इसको शनिवार के दिन संध्या होने से पहले पहले शनि मंदिर में चढ़ाएंगे। ये उपाय करने से आपके शनि का बुरा प्रभाव ख़त्म हो जाएगा और उनकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी, आप पर शुभ फल आने शुरू हो जाएंगे, आपकी सभी दिक्कतें ख़त्म होने लगेंगी। आपको हर शनिवार इस उपाय को करना है, रेगुलर करना है और संध्या सूरज डूबने से पहले करना है आपको। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमारे संस्थान में अपने कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप करके कोई भी सवाल कर सकते हैं। हेल्थ मीटर चैनल आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। दोस्तों मैं आज चल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।